it is given that sum of the digits of a two digit number is 9. तो दो डिजिट का नंबर है, मान लो ओरिजिनल नंबर हमारा एक्स वाई हो गया, ये हो गया हमारा एक्स वाई. इट मींस डिजिट्स एट वन स्पेस इज वाई एंड डिजिट एट टेन स्पेस इज एक्स. तो आपका इसे ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर हो गया, देन नंबर दिस इज वाज 10 मीन्स ये क्या आपका 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 स्पेस किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, नंबर आपका होगा 10x 10x plus y. Now after interchanging the digits, डिजिट को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं. मीन्स अगर y जो है हमारा 1 के प्लेस पे है तो y हमारा क्या आ गया 10 के प्लेस पे, और x अगर हमारा 10 के प्लेस में है तो x हमारा किस में आ गया 1 के प्लस में. अब इसका वैल्यू पुट कर लो, 10 से मीन्स ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से. तो इंटरचेंजिंग के बाद में हमारा न्यू नंबर क्या आ रहा है, न्यू नंबर हमारा आ रहा है 10y प्लस एक्स. सो ये इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन न्यू नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 27, ये आपको याद दिया हुआ है. तो नाउ अगेन अब आप इसका डिफरेंस निकाल लो, इट इज गिवन दैट और न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 27 है ये आपका. तो न्यू नंबर आपके पास में क्या होगा 10y प्लस x, मींस ये होगा 10y प्लस x, और इस पर डिफरेंस क्या करेंगे 10x प्लस y, 10x प्लस y. तो ये हो गया आपका 10y प्लस x माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस 10x. और फिर से इसे अगर हम लोग देखते हैं कि ये माइनस इंटू प्लस, फिर से हमारा क्या होगा माइनस होगा, ये हमारा माइनस 10y, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 27. अब आप इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है, माइनस 10x और ये माइनस माइनस है और प्लस हमारा क्या होगा, ये y को अगर हम देख रहे हैं तो ये y हमारा माइनस प्लस माइनस होगा, तो हमारा होगा माइनस y, माइनस y में से प्लस हमारा क्या होगा 27. अब आपको माइनस करना है, 10y में माइनस y को सबट्रैक्ट करो, ये होगा 10y माइनस y. अगेन अब आप x में से 10x को माइनस करो, क्योंकि आपका x माइनस 10x दिस इक्वल्स 27, तो 10y माइनस y इक्वल टू होगा आपका 9y, और x पे माइनस 10x आएगा तो होगा आपका 9x माइनस 9x दिस इक्वल्स 27. तो आप 9 को अगर कॉमन ले लो तो ये आपका हो गया y माइनस x दिस इक्वल्स 27. सिमिलरली हम लोग सिर्फ अगर ये ले लेंगे, अगर हम लोग ले रहे y माइनस एक्स दिस इक्वल्स टू आवर 27 अपॉन 9 का टेबल में 9 अंदर 9 और 9 थ्री का 27, तो ये वाई माइनस एक्स दिस इक्वल्स क्या हो गया आपका 3. इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो. नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप में इट इज गिवन दैट सम ऑफ टू डिजिट इज 9. दो डिजिट का जो सम है वो हमारा क्या है 9 है. आप यहाँ पर से देख सकते हो, ये आपका गिवन में है कि सम ऑफ द टू डिजिट इज 9. दो डिजिट हमारा x और y है, y और x का सम हमारा क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए. सो y प्लस एक्स इक्वल टू 9, ये आपका क्या गिवन है क्वेश्चन में. और हमारा इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, y माइनस x, हमारा जो इक्वेशन 1 है वो कह रहा है y माइनस x इज इक्वल 3. इससे आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से. अब आप इसे सबट्रैक्ट करो, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, 1y प्लस 1y ये का क्या होगा 2y, 2y इक्वल टू ये आपका नॉर्मल 9 प्लस 3 12 हो गया, सिंपल से 2y इक्वल टू 12. नाउ
वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 12/2, दिस इक्वल 6, तो वाई की वैल्यू आपका आ गई 6। तो अब आपका एक्स प्लस वाई क्या है, 9 है। जब आपका एक्स प्लस वाई 9 है, ऑटोमेटिक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि वाई प्लस एक्स हमारा 9 आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई और वाई की वैल्यू हमारी, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू हमारी 9 आ गई। आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर आ रहा था एक्स की वैल्यू ले लो आप 3 और वाई की वैल्यू ले लो 6, मीन्स आपका जो ओरिजिनल नंबर आया वो क्या आया है, 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।